हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास निशान कंपनी की बाइंडिंग मशीन है, जो कि इससे हम पाल बाइंडिंग करके आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये हमारे पास 12 स्लॉट का स्टेटर है, जो कि इसको हम बाइंडिंग करके आपको दिखाएंगे और किस तरह से बाइंडिंग करते हैं वो भी आपको बताएंगे, और स्टेप बाय स्टेप इसका फुल बाइंडिंग डाटा भी आपको बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको सभी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसको मशीन में फिटिंग कर लेना है। देखिए, जिस तरह से हम फिटिंग कर रहे हैं, इसी तरह से आपको फिटिंग कर लेना है। देखिए, इसको हमने लगा दिया है, और लगाने के बाद में इस पर डाई फिटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास डाई है, इसको इस तरह से फिटिंग करेंगे। तो ये 3 नंबर की डाई है, और इन दोनों डाई को हम इस पर सेटिंग कर देते हैं। तो पहले से इसमें डाई लगी हुई है, उसको हम निकाल लेते हैं। इन दोनों डाई को हम इस तरह से खोल के निकाल लेते हैं, और खोल के निकालने के बाद में दूसरी डाई इस पर 3 नंबर की सेटिंग करेंगे, और उससे इसको बाइंडिंग करके आपको दिखाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में आपको सभी जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि सेलिंग फैन बाइंडिंग से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिलेगी। किस तरह से इसको बाइंडिंग करते हैं स्टेप बाय स्टेप, किस तरह से पेपर लगाते हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिलती रहेगी। तो देखिए, इस तरह से आपको डाई को सेटिंग कर लेना है। देखिए, जिस तरह से हम डाई को सेटिंग कर रहे हैं, इसी तरह से आपको डाई को सेटिंग कर लेना है। क्योंकि दोस्तों, इस मशीन से डाई सेटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए, तुरंत ही सेटिंग डाई हो चुका है। अब इसको हमको बाइंडिंग करना है, तो इसको लगा देते हैं, और लगाने के बाद में इसमें हम टर्न सेटिंग कर लेते हैं। कितने टर्न वायर हमको डालना है वो सेटिंग कर लेंगे, और सेटिंग करने के बाद में बाइंडिंग करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको हम सेटिंग कर चुके हैं, और अब आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से इसको बाइंडिंग किया जाता है। तो इसको हल्का ऊपर कर लेते हैं, और क्योंकि इसमें प्रॉपर जगह बना रहे वायर जाने के लिए, देखिए इस तरह से प्रॉपर जगह वायर जाने के लिए इसमें बना हुआ है, और इसमें हमने 34 नंबर का एल्युमिनियम का वायर लगाया हुआ है। आप देख पा रहे हैं, 34 नंबर का एल्युमिनियम का वायर लगा हुआ है, और इसी से हम इसको बाइंडिंग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पर हम टर्न सेटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से आप इस पर टर्न घटा और बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने इस पर टर्न सेटिंग कर रहे हैं। तो इसमें हमको भरना है 320 टर्न। देखिए दोस्तों, क्योंकि ये हमारा 34 नंबर वायर है, और 320 टर्न ही जाएगा, और ज़्यादा टर्न भरेंगे तो ये हमारा ओवर हो जाएगा। तो इसलिए हम इस पर 320 टन ही डालते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमारा 34 नंबर एल्युमिनियम का वायर है, और फॉरवर्ड उस साइड में चलेगा। दोस्तों देखिए, इस तरह से चलेगा मशीन हमारा फॉरवर्ड में। देखिए, इस तरह से फॉरवर्ड में चलेगा। इसको हाथों से पहले 1-2 राउंड लपेट लेना है, और इसके बाद में स्टार्ट करना है। तो इसको आप सेटिंग कर लेना है, इसको ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, हल्का लूज ही रखना है, ताकि आपका वायर आसानी से निकल सके। ज़्यादा टाइट कर देंगे तो वायर टूट जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हाथों से 1-2 राउंड चला के देख लेना है, और देखने के बाद में इसको बाइंडिंग करना है। तो देखिए, अब इसको हम स्टार्ट कर देते हैं मशीन को, और आप देख पा रहे हैं कि आप फिनिशिंग के साथ में हमारी एक वायर बाइंडिंग हो रही है, कोई भी दिक्कत नहीं पड़ रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि आप फिनिशिंग के साथ में इसमें हमने 320 टन डाल दिए हैं। तो देखिए, इसमें हमारा 320 टन हो चुका है, और इसी तरह से आपको बाइंडिंग करना है। तो चलिए, 1-2 कॉइल इसी तरह से और बाइंडिंग करके दिखा देते हैं, इसके बाद में वीडियो का स्पीड थोड़ा तेज कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी तरह से आपको बाइंडिंग करना है। तो इसी तरह से उसको घुमा देते हैं, और घुमाने के बाद में इस साइड में इसका चलेगा। तो इस कॉइल को घुमा दिए, और घुमाने के बाद में 1-2 राउंड हाथों से इस तरह से लपेट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी दूसरी कॉइल भी रिवाइंड होने वाली है। इसी तरह से दूसरी कॉइल रिवाइंड हो जाएगी, और कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारी फर्स्ट और सेकंड 2 कॉइलें रिवाइंड हो गई। अब इसको इस तरह से घुमा के लगा लेते हैं, और इस तरह से हमारी तीसरी कॉइल भी रिवाइंड होने वाली है। तो इसी तरह से आप भी रिवाइंड कीजिए दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, इसी तरह से आपको बाइंडिंग करना है, और आपको बाइंडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी।
तो कुछ इस तरह से भी आपको भी बाइंडिंग करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारी कॉइलें रिवाइंड हो रही है। अब चलिए वीडियो का स्पीड थोड़ा तेज कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने वीडियो का स्पीड थोड़ा तेज कर दिया है और इसी तरह से जल्द इसको हम बाइंडिंग करके आपको दिखा देते हैं, क्योंकि अगर वीडियो का स्पीड तेज नहीं करते दोस्तों तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती, तो इसलिए हमने वीडियो का स्पीड थोड़ा तेज करके आपको दिखा देते हैं। देखिए क्या फिनिशिंग के साथ में ये हमारी स्टार्टिंग का कॉइल रिवाइंड हो चुका है। और इसी तरह से दोस्तों आप भी रिवाइंड कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में इसके ऊपर पेपर डालते हैं, लॉक पेपर। तो दोस्तों इसको निकालने के बाद में अब इसके ऊपर हम लॉक पेपर डालेंगे, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। आप देख पा रहे हैं क्या फिनिशिंग के साथ में ये हमारा एल्युमिनियम का बाइंडिंग हुआ है। तो इसी तरह से आप लोग भी बाइंडिंग कीजिएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब इसमें हम लोग पेपर डाल लेते हैं। लोग पेपर डालने के बाद में ऊपर की साइड का पेपर लगाते हैं और फिर रनिंग का बाइंडिंग करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से पेपर को लगा लेना है, क्योंकि दोस्तों वीडियो का स्पीड थोड़ा तेज किए हैं और इस तरह से आपको लगा लेना है। देखिए हमारा पेपर लग चुका है और इसके बाद में ऊपर की साइड में इस पेपर को भी इसी तरह से लगा लेते हैं और लगाने के बाद में इसको हम बाइंडिंग करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको पेपर को लगा लेना है। देखिए ये पेपर हमारा लग चुका है। अब इसको हम मशीन पर सेटिंग कर लेते हैं और सेटिंग करने के बाद में इसका रनिंग का कॉइल बाइंडिंग करेंगे। तो चलिए इसको मशीन पे इस तरह से सेटिंग कर लेते हैं और सेटिंग करने के बाद में इसमें हमको 6 नंबर डाई बांधना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें ऑलरेडी हमने पहले से 3 नंबर बांधे थे और वो 3 नंबर को आपको खोल लेना है इस तरह से और इसमें हमको 6 नंबर की डाई लगा देना है। तो इसको हम इस तरह से निकाल लेते हैं दोनों डाई को, और निकालने के बाद में इसमें हम 6 नंबर की डाई, ये आप देख पा रहे हैं ये हमारी 6 नंबर की डाई है। तो 6 नंबर की डाई को हम इस पर लगा देते हैं इस तरह से, देखिए, क्योंकि इससे हमको रनिंग का बाइंडिंग करना है तो इसमें आपको 6 नंबर की डाई लगा लेना है। तो देखिए इसको हम इस तरह से टाइट कर दिए और टाइट करने के बाद में इसको लगा देते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से हमने इसको लगा दिया और लगाने के बाद में अब इसको हम टन सेट कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें 320 था और इसमें हमको 340 टन भरना है, 20 टन हमको बढ़ा देना है। तो देखिए इस तरह से इस पे हमने 340 टन कर दिए, देखिए 340 टन कर दिए हैं, क्योंकि ये हमारा एल्युमिनियम का वायर है 34 नंबर और अब इसको बाइंडिंग करने वाले हैं। तो इस तरह से आपको वायर को लगा लेना है और लगाने के बाद में हाथों से आपको एक दो राउंड चला देना है। देखिए इस तरह से वायर लगाने के बाद में हाथों से एक दो राउंड घुमा देना है, इसके बाद में मशीन को स्टार्ट करना है। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से बाइंडिंग हो रहा है, और इस तरह से दोस्तों आप भी बाइंडिंग कीजिएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। अगर दोस्तों आपको कोई दिक्कत पड़े तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो देखिए ये हमारी फर्स्ट कॉइल रिवाइंड हो चुकी है और इसके बाद में सेकंड कॉइल भी इसी तरह से रिवाइंड करते हैं। देखिए दोस्तों इसी तरह से सेकंड कॉइल भी रिवाइंड करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट और सेकंड दो कॉइलें रिवाइंड हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप भी बाइंडिंग कीजिएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसी तरह से आप बाइंडिंग कीजिएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। वीडियो का स्पीड थोड़ा तेज कर दिए हैं और जल्द से जल्द आपको बाइंडिंग करके हम दिखा देते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी तरह से आप भी बाइंडिंग कीजिएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। ये कॉइल हमारी बाइंडिंग होने वाली है, दो कॉइलें बची हुई है, इसी तरह से वो भी बाइंडिंग हो चुकी है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों क्या फिनिशिंग के साथ में ये हमारी सभी कॉइलें रिवाइंड हो चुकी है। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी कॉइल को बाइंडिंग कीजिएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो इसी तरह से आप लोग हमारे वीडियो को देखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।